हेलो फ्रेंड्स, आज हम चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 9 उन्माद चिकित्सा पढ़ेंगे। इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन ही हम करेंगे। इस अध्याय में बुद्धि, स्मृति, ज्ञान, तपोनिवास यह आचार्य पुनर्वसु हेतु प्रयुक्त हुआ है। उन्माद के निदान, उन्माद के निदान है विरुद्ध दुष्ट असुचि भोजनानी प्रघर्षणम देवगुरु द्विजानाम उन्माद हेतु भय हर्ष पूर्वो मनोअभिघातो विषमश्च चेष्ट। अर्थात विरुद्ध और दुष्ट भोजन करना, असुचि भोजन करना, देवता, गुरु और ब्राह्मण आदि का अपमान करना एवं अत्यधिक भय और हर्ष से मन में अभिघात होना एवं शरीर की विभिन्न विषम चेष्टाएं करना, यह उन्माद के निदान बताए गए हैं। उन्माद की संप्राप्ति, ते अल्पसत्वस्य मला प्रदुष्टा बुद्धे निवासम हृदयम प्रदुष्य श्रोतांसी अधिष्ठाय मनोवहानी प्रमोहन्ति आसु नरस्य चेत। अर्थात इन सभी निदान सेवन से व्यक्ति के दोष कुपित होकर बुद्धि के परम निवास स्थान हृदय में जाकर हृदय को दूषित करते हैं तथा मनोवह स्रोतस में अधिष्ठान बनाकर रोगी को उन्माद रोग से पीड़ित करते हैं। उन्माद के लक्षण, उन्माद के लक्षण बताए गए हैं धी विभ्रम सत्व परिप्लवश्य पर्याकुला दृष्टि धीरता च अबध्य वाक्यत्वम हृदयम च शून्यम सामान्य उन्माद गदस्य लिंगम। अर्थात धी विभ्रम मन का, बुद्धि का भ्रम होना, सत्व परिप्लवश्य अर्थात मन का चंचल होना, पर्याकुला दृष्टि अर्थात आंखों का इधर उधर चलना, अधीरता ऐसे रोगी में धीरज नहीं होता, धैर्य नहीं होता, अबद्ध वाक्यत्वम अर्थात बिना संबंध के बोलना, हृदय च शून्यम हृदय प्रदेश में शून्यता, ये सभी उन्माद के लक्षण बताए गए हैं। उन्मादी में कहा गया है स मूढ़ चेता न सुखम न दुखम न आचार धर्मो कुत एव शांतिम बिंदति अपस्मात स्मृति बुद्धि संज्ञो भ्रमति अयम चेत इति तथा। अर्थात उन्माद से पीड़ित रोगी का चित शांत नहीं होता, मूढ़ चित होता है, ना उसे सुख की प्रतीति होती है, ना दुख की प्रतीति होती है, ना उसे आचार ना धर्म की ज्ञान होता है तथा उसकी स्मृति बुद्धि और संज्ञा का नाश हो जाता है। जब ये सभी चीजें हो जाती हैं तो ऐसे रोगी को कुत एव शांति अर्थात इस प्रकार के रोगी को किस प्रकार शांति मिलेगी। उन्माद के प्रकार, उन्माद के मुख्य रूप से दो विभाग किए गए हैं आगंतुक तथा निज, और दोषों के आधार पर इसे पांच प्रकार में बांटा गया है। निज उन्माद के चार भेदें वातज, पित्तज, कफज तथा संनिपातज एवं आगंतुज उन्माद के एक पांचवा भेद बताया गया है। वातज उन्माद की निदान, संप्राप्ति और लक्षण, रुक्ष, अल्प, शीत, अन्न आदि का सेवन करने से वात कुपित होकर हृदय प्रदुष्य बुद्धि स्मृति च उपहंती शीघ्रम। वात कुपित होकर हृदय को दूषित कर बुद्धि स्मृति को नष्ट कर वातज उन्माद को उत्पन्न करता है। इसके लक्षण है अस्थान हास स्मृति नृत्य गीत अर्थात बिना मतलब के, बिना किसी स्थान के, जहाँ पर नहीं हंसना है, नहीं नाचना है, नहीं गाना है, वहाँ पर अस्थान हास हंसना, नाचना और गाना। वातज उन्माद का रोगी पौरुष्य, कार्ष्य, अरुण, वर्ण, ताश्य इन सब लक्षणों से युक्त होता है। अर्थात रोगी का शरीर पारुष्य, कृष और अरुण वर्ण का हो जाता है तथा इस प्रकार के रोगी में जीर्ण बलम अर्थात भोजन के पाचन के उपरांत वातज उन्माद के लक्षण और बढ़ जाते हैं। उन्माद की निदान, संप्राप्ति तथा लक्षण, पित्तज उन्माद के निदान बताए गए हैं अजीर्ण, कटु, अम्ल, विदाही द्रव्य का सेवन, इनके सेवन से दोष हृदय में स्थित होकर पित्तज उन्माद को उत्पन्न करता है। इसका लक्षण है अमर्ष, संरभ्र, विनग्न भावा, अमर्ष अर्थात आसानशीलता, संरभ मतलब आंखों का लाल होना, विनग्न भाव अर्थात रोगी नग्न होता है, प्रछाया, शीत, अन्न, जल, अभिलाषा अर्थात रोगी छाया की इच्छा करता है, शीतल अन्न और जल की अभिलाषा करता है। इस प्रकार पित्तज उन्माद के लक्षण बताए गए हैं। कफज उन्माद के निदान, संपूर्ण मंद विचेष्टितस्य सो उष्मा कफो मर्माणि सम
प्रवृद्धा, अर्थात जो व्यक्ति अधिक मात्रा में भोजन का सेवन करता है संपूर्ण मंद विचेष्टिता अर्थात शरीर की चेष्टाएं कम करता है तो पित्त और कफ दूषित होकर हृदय में जाकर कफज उन्माद को उत्पन्न करते हैं एवं बुद्धि स्मृति को नष्ट करते हैं। कफज उन्माद के लक्षण है वाक चेष्टितम मंद अर्थात बोलने की प्रवृत्ति कम होना, अरोचक नारी विविक्तम अति प्रियता अर्थात स्त्री और विविक्त अर्थात एकांत का अधिक प्रिय होना, स्त्री और एकांत का अधिक प्रिय होना, अति निंद्रा नींद अधिक आना, सर्दी लाला मुख से लाला स्राव, बलम च भुक्ते अर्थात भोजन करते ही ऐसे उन्मादी का लक्षण में वृद्धि होना तथा नख आदि सौकल्यम अर्थात नख आदि का शुक्ल वर्ण का होना, यह कफज उन्माद के लक्षण बताए गए हैं। सन्निपातज उन्माद के बारे में कहा है सर्वे समस्ते च हेतु भी स्यात् अर्थात सभी पर तीनों दोषों के मिले जुले लक्षण उत्पन्न होते हैं और कहा गया है तादृ विरुद्ध भेषज विधि विवर्ज्य अर्थात इसकी चिकित्सा विवर्ज्य है अर्थात यह असाध्य बताई गई है और इसकी विरुद्ध चिकित्सा बताई है। विरुद्ध चिकित्सा का अर्थ है कि जब हम एक दोष की चिकित्सा करते हैं तो दूसरा दोष बढ़ जाता है और दूसरे दोष की चिकित्सा करते हैं तो तीसरा दोष बढ़ जाता है, यह सन्निपातज उन्माद के बारे में कहा गया है। आगंतुज उन्माद की उत्पत्ति के कारण है देव ऋषि गंधर्व पिशाच यक्ष राक्षस पितृ ये सभी आगंतुज उन्माद उत्पन्न होने के कारण बताए गए हैं। यह क्यों उत्पन्न होते हैं? यह उत्पन्न होते हैं मिथ्या कृत्य कर्म च पूर्वदेह अर्थात पूर्व देह में किए गए मिथ्या कर्म से यह क्रुद्ध होकर शरीर में प्रविष्ट कर आगंतुज उन्माद को उत्पन्न करते हैं। आगंतुज उन्माद के लक्षण है अमर्त्य वाक विक्रम वीर्य चेष्टा अर्थात सामान्य पुरुष में जिस प्रकार की वाक वचन विक्रम अर्थात बल और वीर्य और चेष्टा होती है उससे अधिक का होना, यह आगंतुज उन्माद का विशेष लक्षण बताया गया है। तथा उन्माद के बारे में कहा गया है उन्माद काल अनियतश्च अर्थात इस उन्माद का रोगी में उत्पन्न होने का काल अनियत है अर्थात नियत नहीं है, यह भूतोन्माद के लक्षण बताए गए हैं। यहाँ कहा गया है च छाया आतपो दर्पण सूर्यकांत अर्थात ये देव ऋषि गंधर्व पिशाच आदि किस प्रकार शरीर में प्रवेश करते हैं यह देखे नहीं जा सकते हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते, इन्हें शरीर में प्रविष्ट करते हुए देखते नहीं है। इसके बारे में एक उदाहरण दिया गया है जिस प्रकार छाया दर्पण में तथा आतप सूर्यकांत मणि में प्रवेश करती है इसी प्रकार यह सभी हम उस उन्मादी के रोगी के शरीर में प्रवेश करते हैं। देव ग्रह जन्य आगंतुज उन्माद इसके लक्षण है सौम्य दृष्टि का सौम्य होना, अल्प स्वेद मूत्र पुरीष अर्थात स्वेद मूत्र पुरीष का और वात अपान वायु का अल्प मात्रा में परिवर्तन होना, शुभ गंध उसके शरीर से शुभ गंध आती है, फुल्लम पद्मवदन अर्थात उसका मुख कमल के सदृश सुंदर हो जाता है, यह देव ग्रह जन्य उन्मादी के लक्षण बताए गए हैं। साप जन्य उन्मादी साप ग्रह जन्य उन्मादी के लक्षण बताए गए हैं अनुरूप चेष्टा आहार व्यवहार अर्थात जिस प्रकार का श्राप रोगी को उन्मादी को दिया गया हो उसी प्रकार के चेष्टा आहार तथा व्यवहार रोगी में उत्पन्न बताया गया है। पितृ ग्रह जन्य उन्माद के लक्षण इसके लक्षण है अप्रसन्न दृष्टि अपश्यंतम निद्रालु अर्थात उसकी दृष्टि का अप्रसन्न होना, अपश्यंतम अर्थात वह इधर उधर नहीं देखता है, निद्रालु से नींद ज्यादा होती है, अनन्न अभिलाषा अरोचक विपाक अर्थात अन्य की इच्छा नहीं होती है, अरुचि और अविपाक उत्पन्न होता है, यह पितृ ग्रह जन्य उत्पन्न उन्माद के लक्षण बताए गए हैं। इसी प्रकार गंधर्व उन्मत्त पुरुष के लक्षण चंड साहसिक तीक्ष्ण गंभीर अवृष्यम वाद नित्य गीत रक्त वस्त्र इसका अर्थ यह है कि गंधर्व जन्य आगंतुज उन्माद के लक्षण है चंड अर्थात रोगी अधिक साहसी होता है और रोगी गंभीर तीक्ष्ण
और अदृश्य अर्थात उसे जीता नहीं जा सकता। रोगी वाद्य नित्य गीत अर्थात वाद्य यंत्र बजाना, नृत्य करने तथा गीत गाने में अधिक रुचि रखता है तथा रक्त वस्त्र की इच्छा होती है उसे। यक्ष जन्य आगंतु जुन्माद के लक्षण रक्त विपुलाक्षम अर्थात उसका यक्ष जन्य उन आगंतु जुन्माद के लक्षण है रक्त विपुलाक्षम अर्थात ऐसे रोगी का आंखें लाल होना तथा वह स्राव से भरा होना। इसी प्रकार इसके लक्षण और बताए गए हैं द्विजाति वैद्य परिवादिनम अर्थात ब्राह्मणों और वैद्य भिषक की अवहेलना करना, अपमान करना, रहस्य भाषिणम अर्थात अपने रहस्य को बताना, यह यक्ष जन्य आगंतु जुन्माद के लक्षण बताए गए हैं। राक्षस ग्रह जन्य आगंतु जुन्माद के लक्षण है नष्ट निद्रा अन्नपानम द्वेषी अर्थात उसकी उसे नींद नहीं आती, नष्ट निद्रा तथा अन्नपान में द्वेष करता है। एवं शस्त्र शोणित मांस रक्त अभिलाषिणम उसे शस्त्र रक्त मांस और रक्त माला लाल माला अधिक प्यारी होती है। इसी प्रकार ब्रह्म राक्षस जन आगंतु जुन्माद के क्या लक्षण है, उसके लक्षण है देव विप्र वैद्य द्वेष अर्थात देवता विप्र ब्राह्मण वैद्य अर्थात भिषक से उसे द्वेष होता है। एवं वह सदैव स्तुति वेद मंत्र शास्त्र उद्धारण वह स्तुति देव स्तुति वेद के मंत्र शास्त्र आदि का उदाहरण कर देता है। एवं काष्ट आदि भी आत्मपीड़िनेन अर्थात अपने आप को लकड़ी पेड़ों की लकड़ी आदि काष्ट से पीड़ा पहुंचाता है। पिशाच ग्रह जन्य आगंतु जुन्माद के लक्षण इसके लक्षण बताए गए हैं नृत्य गीत हासिना अर्थात नाचना गाना और हंसना, बद्ध अबद्ध प्रलाप बिना संबद्ध इसका अर्थ है कि बिना किसी अर्थ के निरर्थक बातें करना, भिन्न रुक्ष स्वर अर्थात ऐसे पिशाच ग्रह जन्य आगंतु जुन्माद में रोगी का स्वर भिन्न टूटा फूटा और रुक्ष हो जाता है और रोगी नग्न होता है। इस प्रकार के लक्षण आगंतु जुन्माद के बताए गए हैं। आगंतु जुन्माद में ग्रहों के प्रवेश करने का समय आगंतु जुन्माद में ग्रहों के प्रवेश करने का समय एक निश्चित बताया गया है। प्रायः देवग्रह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात शुक्ल पक्ष की पहली तिथि एवं त्रयोदशी में शरीर में छिद्र पाकर, छिद्र का अर्थ है कि ऐसे सभी में प्रवेश नहीं करना, छिद्र का अर्थ है कि केवल विशेष रोगी जिन्होंने पूर्व कर्म मिथ्या कर्म किया है उनमें ही प्रवेश करते हैं। यह देवग्रह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहली तिथि एवं त्रयोदशी को प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार ऋषि ग्रह षष्ठी तथा नवमी तिथि को प्रवेश करते हैं। पितर ग्रह का बताया गया है यह दशमी तथा अमावस्या को शरीर में प्रवेश करते हैं, दशमी एवं अमावस्या। इसी प्रकार गंधर्व रोगी के शरीर में द्वादशी और चतुर्दशी को प्रवेश करते हैं। यक्ष के बारे में कहा गया है शुक्ल पक्ष की एकादशी एवं सप्तमी तिथि को यक्ष रोगी के शरीर में प्रविष्ट करते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म राक्षस का बताया गया है शुक्ल पक्ष की पंचमी तथा पूर्णिमा को ब्रह्म राक्षस शरीर में रोगी के शरीर में प्रविष्ट करता है। राक्षस तथा पिशाच ग्रह रोगी के शरीर में द्वितीय तृतीय तथा अष्टमी को प्रवेश करते हैं। इस प्रकार रोगी में आगंतुक उन्माद उत्पन्न होने के तिथि बताई गई है। उन्माद के साध्यता तथा असाध्यता का लक्षण उन्माद की साध्यता असाध्यता का लक्षण बताया गया है हस्तावुदम्य रोष संरभ निशंक अन्य सु आत्मनि व निपातियत स ही असाध्य गेय अर्थात वो रोगी वो उन्मादी जो अपने हाथ ऊपर उठाकर रोष क्रोध से युक्त होकर संरभ आंखें लाल कर अन्य दूसरे को अथवा आत्मनि अपने आप को व निपातियत मारने की पीड़ा देने की कष्ट करता है की कोशिश करता है वह उन्मादी रोगी असाध्य बताया गया है। तथा ऐसा रोगी जिसके अश्रु नेत्र
आंखों से अश्रु मेढ प्रवृत्त रक्त मेढ मार्ग अर्थात मूत्र मार्ग से रक्त की प्रवृत्ति क्षत जिह्वा जिसकी जिह्वा कट गई हो ऐसे रोगी ऐसे उन्माद रोगी असाध्य बताए गए हैं। आगंतुक उन्माद के मुख्य रूप से तीन कारण बताए गए हैं, हिंसा, रति तथा अर्चना। हिंसा से उत्पन्न होने वाले आगंतुक उन्मादी असाध्य बताए गए हैं तथा रति की इच्छा और काम की रति और अर्चना की इच्छा से उत्पन्न होने वाले आगंतुक उन्माद साध्य बताए गए हैं। इनकी चिकित्सा बताई गई है मंत्र, चिकित्सा आदि का प्रयोग ऐसे आगंतुक उन्माद में करने का निर्देश दिया गया है। उन्माद का चिकित्सा सिद्धांत। उन्माद वातज उन्माद में पहले पूर्व स्नेहपान देना चाहिए। यदि पित्त और कफ के द्वारा मार्ग आवृत है, आवृत मार्ग है, तो उसमें स्नेह आदि देकर, स्नेहन स्वेदन देकर मृदु शोधन का विधान किया गया है। यह ध्यान रखने योग्य बात है, उन्माद में मृदु शोधन है, अपस्मार में तीक्ष्ण शोधन है, विशेष रूप से इसे ध्यान रखना चाहिए। यदि कफ और पित्त के कारण उन्माद उत्पन्न हुआ है तो कफ के उत्पन्न होने से वमन और पित्त के उत्पन्न होने से विरेचन देना चाहिए और ये सभी स्नेहन स्वेदन आदि देकर करना चाहिए और इसके पश्चात संशोधन के बाद संसर्जन कर्म का विधान बताया गया है। जिस रोगी में सम्यक रूप से संशोधन हो गया हो ऐसे रोगी में निरूह, स्नेह बस्ती, अनुवासन बस्ती, शिरो विरेचन आदि का प्रयोग यथा दोष भिषक दोषों के अनुसार बारंबार भूय सप्तम आचरित अर्थात बारंबार निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती, शिरो विरेचन का बारंबार भिषक को प्रयोग करना चाहिए। यदि रोगी का पूर्ण रूप से वमन आदि एवं संशोधन किया जाता है तो उसको क्या लाभ होते हैं, उसका मन प्रसन्न रहता है, स्मृति तथा संज्ञा की प्राप्ति हो जाती है। यदि रोगी में आचार विभ्रंश अर्थात व्यवहार कैसा करना है कैसा नहीं करना है इस प्रकार का विभ्रंश है तो उसे तीक्ष्ण नावन अंजन देने का विधान है तथा ताड़न विशेष रूप से याद रखना चाहिए, ताड़न का निर्देश भी उन्मादी में दिया गया है। उन्माद के रोगी में मन, बुद्धि, स्मृति तथा संज्ञा प्रबोधन द्रव्य, इन द्रव्यों से सिद्ध सर्पी का पान, प्रदेह उत्सादन तथा अभ्यंग और धूम का निर्देश दिया गया है। आगंतुक उन्माद में उन्मादी को सर्पी पान तथा मंत्र आदि क्रिया का निर्देश दिया गया है। सर्पी पानाद आगंतो मंत्र आदि चिकित्सते विधि अर्थात आगंतुक उन्माद में सर्पी पान और मंत्र आदि चिकित्सा करना। उन्मादनाशक योग हिंगवादी घृत के बारे में कहा गया है, चतुर्गुणम गवामूत्रे सिद्धम उन्माद नाशित अर्थात चतुर्गुण गोमूत्र में इसे सिद्ध किया जाता है और यह उन्माद नाशक बताया गया है। कल्याणक घृत के बारे में कहा गया है अष्टविंशति भी, इसे अष्टविंशति घृत भी कहते हैं और यह अलक्ष्मी पाप रक्षोघ्न सर्वग्रह विनाशन तथा कहा गया है इसके बारे में कल्याणकम इदम सर्पी श्रेष्ठ पुंसवनेषु च एति कल्याणकम घृतम अर्थात श्रेष्ठ पुंसवन करने में श्रेष्ठ है और यह अलक्ष्मी पाप और रक्षाघ्न और सर्वग्रह विनाशक बताया गया। महाकल्याणक घृत एक विंशति, इसमें 21 द्रव्य घटक द्रव्य बताए गए हैं और इसके कुछ मुख्य कार्य हैं, ब्रीहणीय विशेषण सन्निपात हरम परम अर्थात सन्निपात रोगों में विशेषकर हितकारी है और ब्रीहण कार्य करता है, यह महाकल्याणक घृत के बारे में कहा गया है। महापैसाचिक घृत के बारे में कहा है, महापैसाचिकम नाम घृतम एतत् अमृतम बुद्धि स्मृति कर्म चेव बालानाम अंगवर्धनम अर्थात यह बुद्धि स्मृति कारक और बच्चों में विशिशुओं में अंग का वर्धन करने वाला बताया गया है। लहसुनादि घृत का प्रयोग पान, अंजन तथा नावन,
पान अंजन नावन के लिए किया जाना चाहिए। यह विषम ज्वर और अपस्मार को नष्ट करता है। उन्माद में घृत का प्रयोग। उन्माद में विशेष रूप से पुराण घृत का प्रयोग करना चाहिए। विशेषतः पुराणम च घृतम च पायेत विषक, अर्थात विशेष रूप से पुराण घृत का प्रयोग करना चाहिए। पुराण घृत के लक के कुछ विशेष गुणधर्म बताए गए हैं। त्रिदोषघ्न पवित्रत्वाद विशेषाद ग्रह नाशनम गुण कर्म अधिकम पानाद स्वादात कटु तिक्तकम उग्र गंधम पुराणम स्याद दस वर्ष स्थितम घृतम, अर्थात दस वर्ष तक के घृत को पुराण घृत कहते हैं। यह उग्र गंधी होता है और स्वाद में कटु तिक्त होता है। इसके कर्म है यह त्रिदोष नाशक पवित्र तथा ग्रह नाशक बताया गया है। तो 10 वर्ष तक के घृत को पुराण घृत कहते हैं। उग्र गंध युक्त होता है, स्वाद में कटु तिक्त होता है, पवित्र त्रिदोषघ्न और ग्रह नाशक बताया गया है। और 10 वर्ष से अधिक पुराने घृत का रस लाक्षा के सदृश होता है। लाक्षा रस निभम सर्वग्रहापहम सभी ग्रह को नष्ट करता है, मैद्य और विरेचन देने में हितकारी होता है और इसे प्रापुराण घृत कहते हैं। 10 वर्ष से पुराने घृत को प्रापुराण घृत मेध्य विरेचन कर्म हेतु प्रयुक्त होता है। सर्वग्रह नाशन और लाक्षा रस के सदृश इसका रस बताया गया है। कहा गया है न ना असाध्यम नाम तस्यास्ति यत स्याद दस सत स्थितम, अर्थात 100 वर्ष से पुराना घृत का प्रयोग के बारे में कहा गया कि यह बहुत से रोगों को ना असाध्यम नाम तस्याति असाध्य व्याधियों को भी ठीक करता है। और यह कहा गया है कि इसके दृष्ट देखने से स्पर्श करने से और सूंघने से घ्रात करने से सभी ग्रह का नाश होता है और यह अपस्मार उन्माद को नष्ट करने में विशेष रूप से हितकारी है। सस्तम विशेषतः उन्माद रोग में बहि परिमार्जन चिकित्सा। उन्माद रोगी में उत्सादन अब अंजन तथा लेपन का विधान कहा गया है। सिरिस मधुक हिंगू आदि द्रव्यों को बस्ती बकरे के मूत्र में पीसकर अंजन आदि का निर्देश दिया गया है। सिद्धार्थक अगध का वर्णन उन्माद चिकित्सा में कहा गया है। सिद्धार्थक अगध के बारे में कहा गया है यह पान अंजन नस्य आलेपन स्नान और उद्वर्तन में प्रयोग किया जा सकता है तथा इसका बारे में कहा गया है अपस्मार विष उन्माद कृत्या लक्ष्मी ज्वरापहा। अपस्मार विष रोग को उन्माद को कृत्या लक्ष्मी ज्वर आदि को नष्ट करता है। कहा गया है भूतेभ्यो भयम हंति राजद्वारे च सस्यते, अर्थात भूत आदि ग्रहों को नष्ट करता है और राजद्वार में लगाकर जाने से प्रशंसा की प्राप्ति होती है तथा इन्हीं सिद्धार्थक अगध बनाने वाले घटक द्रव्यों से ही सिद्ध करके सर्पी का प्रयोग भी किया जा सकता है। यदि उन्माद रोगी में प्रसेक तथा पीनस हो तो उसे धूमवर्ती आदि का प्रयोग किया। पीतज उन्माद की चिकित्सा। पीतज उन्माद में तिक्तक घृत जीवनीय घृत तथा मिश्रक स्नेह का विधान बताया गया है। उन्माद अपस्मार तथा विषम ज्वर में रक्तमोक्षण। उन्माद विषम ज्वर तथा अपस्मार में शंख के शांत संधि में रक्तमोक्षण का निर्देश किया गया है। उन्माद में आश्वासन चिकित्सा किया जा सकता है। आश्वासन चिकित्सा राजक्षमा पीतज गुल्म तथा उन्माद में निर्दिष्ट है। यहाँ कहा गया है बर्ध सरसप तेल आक्तम नैसे दो उत्तानम आतपे कपी कच्छु अथवा तप्त लोह तेल जले स्पृशते, अर्थात उन्माद रोगी में सरसों का तेल शरीर में लगाकर पट्टी से हाथ पैर बांध कर तेज धूप में रोगी को उत्तान शयन करने का निर्देश दिया गया है। कपी कच्छु की फली से शरीर में स्पर्श कराने का निर्देश तथा गर्म लोहा तेल और जल से स्पर्श कराने का निर्देश भी रोगी में दिया गया है। ये सभी सुनने में और समझने में तो एकदम अजीब लगता है कि इस प्रकार की चिकित्सा उन्मादी में क्यों किया जाए। तो यह सभी अगर ध्यान से हम सोचे तो यह सभी जो है यह सभी नर्वस स्टिमुलेशन का काम करते हैं, नर्व स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। आज भी आधुनिक चिकित्सा पद्धति में नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए हीट आदि का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसे एक पुरातन प्रकार का स्टिमुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम और यह मान सकते हैं।
आगंतुज उन्माद में रुद्रस्य प्रथमा नामक गणा लोक चलंती आ, रुद्र के प्रमथ नाम के गण का पूजा आदि बलि मंगल होम औषधि आदि अगध का धारण सत्य आचार तप ज्ञान नियम व्रत का पालन देव देवता गो ब्राह्मण गुरु आदि का पूजन तथा सिद्ध मंत्र औषधि का धारण करने से आगंतुज उन्माद नष्ट होता है। उन्माद से मुक्त होने के लक्षण, उन्माद से मुक्त होने के लक्षण बताए गए हैं, प्रसाद इंद्र अर्था नाम बुद्धि आत्म मनसा तथा धातु नाम प्रकृति स्थम विगत उन्माद लक्षण, अर्थात इंद्रियों के अर्थ बुद्धि आत्मा मन आदि में प्रसन्नता, धातुओं का प्रकृति रूप में होना, यह उन्माद से मुक्त पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। इस अध्याय में उन्माद के समुत्थान अर्थात निदान, लक्षण, चिकित्सा तथा निज आगंतुज भेद बताए गए हैं। इस प्रकार उन्माद चिकित्सा समाप्त होती है। फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।